तो चलिए कुछ और जानते हैं। जब हम बटरफ्लाई के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजिनेशन बनती है, क्योंकि बटरफ्लाई दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और वह लगभग हर जगह पाई जाती है, केवल अंटार्कटिका को छोड़कर। बटरफ्लाई की लगभग दुनिया में 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और इनकी औसतन आयु लगभग एक महीने के आसपास होती है, किसी की 4 सप्ताह तो किसी की 3। ये डिपेंड करता है उनकी प्रजाति पर। तितलियां अपने अंडे पत्तों पर या पत्तों के नीचे की सतह पर देती है, इसीलिए ये हमें आसानी से नहीं दिखते। तितली के अंडे एक मटर के दाने के आकार के होते हैं। जब ये अंडे फूटते हैं तब इनमें से एक प्यारा कैटरपिलर बाहर निकलता है, जिसे हम हिंदी में लार्वा भी कहते हैं। ये कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलकर अंडे की छिलके खाने लगते हैं, मतलब इन कैटरपिलर्स का पहला भोजन वही अंडे का छिलका होता है जिससे ये बाहर निकले हैं। फिर ये धीरे धीरे अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों के पत्तों को खाने लगते हैं। ये कैटरपिलर्स अपनी स्किन को कई बार चेंज करते हैं, जैसे कि सांप अपनी स्किन को चेंज करता है। जब ये कैटरपिलर वयस्क हो जाते हैं तब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था से आकार में 100 गुना तक बड़े हो सकते हैं। यह अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने लगते हैं और बिना हिले ये उसी जगह पर रहते हैं और धीरे धीरे ये एक प्यूपा के रूप में बदल जाते हैं। प्यूपा मतलब इनके बाहर एक कवच बन जाता है जो इन्हें अन्य जीव जंतुओं और बाहरी मौसम से बचाता है। लगभग 5-6 दिनों बाद प्यूपा में कुछ हलचल होती है। कुछ समय बाद प्यूपा से एक नन्ही सी तितली बाहर निकलती है, जो इतने दिनों तक प्यूपा के अंदर डेवलप हो रही थी। तितली के बाहर निकलने के 1 घंटे के अंदर ही उसके पंख पूर्ण रूप से खिल जाते हैं और वह फूलों की तलाश में उड़ जाती है। अब वह नन्ही तितली ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिनों तक ही जीवित रह सकेगी, क्योंकि उसकी आधी जिंदगी तो कैटरपिलर से तितली बनने में लग गई। तितली बनने के बाद उसका भोजन पेड़ के पत्ते नहीं होकर फूलों का रस होता है। तितली सुन नहीं सकती लेकिन उसकी नज़र बहुत तेज होती है। तो यह थी तितली से जुड़ी कंप्लीट नॉलेज।